नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम ने मुख्यमंत्री आवास में ही उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। प्रदेश में अब मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक निर्धारित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भू कानून का प्रारूप तय करने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को इसका जिम्मा भी सौंपा गया है। समिति अब मूल निवास के मानकों का निर्धारण करते हुए सरकार को रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उनके लिए राज्यहित सर्वोपरि है, भू कानून हो या मूल निवासी का विषय। इस दिशा में सरकार संजीदगी से राज्यवासियों के साथ है। इन विषयों पर सम्यक रूप से विचार विमर्श कर अपनी स्पष्ट संतुति सरकार को उपलब्ध कराने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। बदली परिस्थितियों में राज्य में सशक्त भू कानून की उठ रही मांग के दृष्टिगत मुख्यमंत्री धामी ने अगस्त में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भूमि की आवश्यकता और उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रखकर विकास कार्य प्रभावित ना हो, इसके दृष्टिगत संस्तुतियां देने के निर्देश दिए हैं। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, अभी क्या चल रहा है मौके पर? देखिए, मूल निवास को लेकर आज जो विभिन्न संगठन थे उन्होंने ये आह्वान किया था कि आज वो प्लेन ग्राउंड में हो और यहाँ पर जो मूल निवास की जो मांग थी लंबे समय से जो उत्तराखंड की, उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में तो यहाँ पर लोग हैं, लेकिन हजारों की तादाद पर यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। आप देखते हैं चाहे वो UKD हो, उत्तराखंड लोग क्रांति दल, या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कितने छोटे से बड़े जितने भी संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो परेड ग्राउंड है यहाँ पर लंबे कतारों में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी की मांग एक है कि जो भू कानून हो वो जल्द से जल्द लागू हो। और उत्तराखंड को बनाने में जिस तरह से जो पहाड़ियों का एक योगदान रहा है, अपनी जान तक उन्होंने दिया, और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनके अंदर कितना उत्साह है। बस मांग यही है कि जो भू कानून है वो लोगों को मिले और साथ साथ जो 1950 का अधिनियम है वो लागू हो। 1950 का जो अधिनियम है वो ये था कि जो 1950 से पहले के लोग हैं उनको ही यहाँ पर जमीन लेने का हक मिले। और इसी को लेकर आज जो उत्तराखंड के तमाम जिलों से, छोटे छोटे गांवों से आज लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि जो भू कानून है वो सरकार पारित करे। और इसके लिए हम कह भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी भी बनाई है कि जो भू कानून को अब अध्ययन करेगी और जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को देगी। लेकिन जिस तरह से जो लोगों की मांग थी वो दिन बर दिन बढ़ती भी जा रही है और लोकसभा से लोग पहले यही चाहते हैं कि जो जो भू कानून हो वो धरातल पे नजर आए। वहीं अगर आप देख सकते हैं कि जो लोगों के अंदर जोश कितना है और लोगों की मांग यही है कि जो भू कानून है वो यहाँ पर साधु संत भी यहाँ पर मौजूद है, तो तमाम संगठन कह सकते हैं साधु संत यहाँ पर है, युवा यहाँ पर है, महिलाएं यहाँ पर है, तो तमाम वर्ग का छोटा बड़ा आदमी यहाँ पहुंचा है। तो और मांग बस यही है कि भू कानून उनको जल्द से जल्द लागू हो जाए, क्योंकि जो जल है, जंगल है, जमीन है वो उत्तराखंडियों की है। ऐसे में जो भूमाफिया है वो उसमें अपना कहा जा सकता है कि जो भू माफिया इसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसे पूरा न कर सके। यहाँ पर भारी, इसके साथ साथ भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है और लोगों की पहली प्राथमिकता यहीं पर ये नजर आ रही है कि जो ये पूरा कार्य हो, पूरा ये आंदोलन चले वो शांतिपूर्वक चले। जी, सरकार द्वारा अगस्त में कमेटी भी गठित कर दी गई है। तुषार, आखिर सरकार द्वारा एक के बाद एक ये एक्शन भी लिया जा रहा है। हमने पिछले दिनों भी देखा था किस तरीके सरकार ने बोला था कि पृष्ठभूमि खंगाली जाएगी, जो भी यहाँ पे जमीन खरीदे उसके बाद से ही उनको जमीन खरीदने के लिए जो प्रावधान है उससे गुजरना होगा और जमीन मिल सकती है, लेकिन इसके बाद से भी ये महारैली आखिर क्यों? देखिए, भूमि को लेकर अगर लगातार बात की जाए तो पहले से इनकी मांग थी कि जो निचले इलाके हैं
वहां पर 250 मीटर से अधिक जो बाहर के लोग हैं उन्हें उन्हें जमीन ना दिया जाए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी जमीन ना दिया जाए, बाहर के लोगों को तो बिल्कुल ना दिया जाए। और जिस तरह से हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून सख्त बनाया जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जरूर कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे एक कमेटी का गठन किया गया है वैसे ही उस पर अध्ययन किया जाएगा। लेकिन ये पहले से ही मांग कर दी गई थी कि 24 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, और उसी को लगता है जो युवा है प्रदेश के और साथ साथ जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो विभिन्न संगठन से है, चाहे वो निजी हो या फिर कहा जा सकता है राजनीतिक हो, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी भीड़ अत्यधिक है, हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है और ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और लोगों की बस यही मांग है कि जो उनका सपना था। इनसे बात कीजिए, इनसे जाने का प्रयास कीजिए कि रैली कब तक चलेगी। इन लोगों से बातचीत कीजिए तुषार और जानिए कि आखिर इतना क्रोध क्यों है। करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से, यहाँ पर अगर इतनी भीड़ अत्यधिक भीड़ हो रही है फिर भी की मांगे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो उत्तराखंड हमारा प्रदेश बना था, उत्तराखंड जो हमारा प्रदेश बने था, सिर्फ यहाँ के जो संसाधन है उसके लिए एक उत्तराखंड मांग के प्रदेश की अलग मांग हुई थी। लेकिन यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि एक डेमोक्रेटिक बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, 40 लाख यहाँ पर बाहर के लोग आ चुके हैं जो कि हमारे संसाधन, हमारी नौकरी, हमारे हर चीज पर डाका डाल रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, मूल निवास प्रमाण पत्र उनसे छीन चुका है, नौकरियों में रोजगार रहता क्या मिलेगी उन्हें, वो भी उन्हें के इक्विवेलेंट खड़े होने, एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ रही है। और भू कानून की मांग हमारी इसलिए है, यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश से बहुत कुछ लैंड माफिया यहाँ पर घुस चुके हैं, जिन्होंने की औने पौने दाम में हमारे जमीनों की खरोद फरोद कर चुके हैं। पहाड़ी क्या है, पहाड़ी तो एक आदमी बहुत ही शांत स्वभाव का है, इस तरीके से कोई ज्यादा चालाक नहीं है, उस प्रवृत्ति का नहीं है, और औने पौने दाम में कर यहाँ पर अंकिता भंडारी एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण रह चुका है। यहाँ पर एक साल पहले उन्हीं चीजों को एक तरीके से हम एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मूल निवास 1950 लागू हो और सशक्त भू कानून की यहाँ पर मांग की जा रही है। जैसे आपने सुना कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी मांग यही है। बिल्कुल तुषार, कुल मिला के उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की जो भूमि है उनको बचाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ तुषार, आगे भी आपका रुख करेंगे। सरकार ने मूल निवास के लिए आदेश जारी किया है, भू कानून की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कमेटी गठित की गई है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार खुद कंफ्यूज है, कभी आदेश निकालती है कभी कमेटी बनाती है, पहले तय कर ले सरकार क्या करना है। एक तरफ गड्ढा है, फिर उसके बाद गड्ढे भर नहीं रहे, फिर डेंगू हो जा रहा है, फिर कह रहे अब ये हो रहा है, अब एक नया, पहले आपने एक आदेश पारित कर दिया, अब उसमें कमेटी गठित कर दी। या तो आदेश पारित करने से पहले कमेटी गठित करते, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तब वो अगर कोई आदेश पारित करते सरकारी आदेश तो समझ में आता, लेकिन आदेश करने पारित करने के बाद अब कमेटी गठित करने का क्या औचित्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ गवर्नेंस कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ज़रूर है लेकिन सत्ता कैसे चला जाती है उसका अनुभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को आयातित करके अपनी सरकार में मंत्री, दो सरकारें हमने देख ली, दोनों में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, निश्चित ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अच्छे और बुरे का आकलन किए बिना निर्णय ले रहे हैं और उसके बाद फिर बैकफुट में जा रहे हैं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी की विशाल युवा यात्रा है। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी युवा यात्रा। तो देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की विशाल युवा यात्रा है। बीजेपी हमेशा से युवा पे फोकस करती आई है और इस संदर्भ में उत्तराखंड में बीजेपी की विशाल युवा यात्रा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे इस यात्रा का शुभारंभ और लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी की विशाल युवा यात्रा होने जा रही है। बड़े स्तर पर बीजेपी की विशाल युवा यात्रा जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, और आपको बता दें कि युवाओं पर ज़्यादा फोकस बीजेपी हमेशा से रखती आ रही है और यही कारण है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की विशाल युवा यात्रा होने जा रही है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ही किया जाएगा। तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, ये यात्रा कब से शुरू होने जा रही है, क्या जानकारी है इस यात्रा से जुड़े हुए आपके पास?
इसे देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होगी और इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से ही भाजपा संगठन द्वारा कर ली गई है थी। और अगर अभी बात की जाए तो वहां पर जो युवा है भारी मात्रा में पहुंच चुके हैं और भाजपा का मेन फोकस अगर ये बात कह जा रही है कि जो 2024 का जो चुनाव होगा वो युवाओं पे लड़ा जाएगा और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो भाजपा संगठन के द्वारा पहले से चल रही थी और आज देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से ये यात्रा निकाली जाएगी और ये सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला तक ये यात्रा जाएगी, जिसके लिए जो युवा है वो भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। और भाजपा का जो पहले से मोटिव रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं को अत्यधिक जोड़ा जाए और इसके लिए कई संगठन द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं युवा, जिसमें युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे जोड़ा जा रहा है और इसी के तहत आज एक यात्रा निकाली जाएगी जिसका शुभारंभ खुद हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पवेलियन ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां पर जो यात्रा का आगाज वो करेंगे और इसके साथ साथ उनके कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोशी है वो यहाँ पर मौजूद होगी और तमाम कहा जा सकता है कि जो बड़े चेहरे होंगे वो इस यात्रा में शामिल होंगे। जो युवा संगठन है वो यहाँ पर होगा और एनएसआई के जितने माफ कीजिएगा जो एबीपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो तमाम कहा जा सकता है कि एक बड़ी युवा यात्रा निकाली जा रही है लोकसभा को लेकर, जिससे जो भाजपा की मजबूती इसमें दिखाई जाएगी और साथ साथ जो युवा है उनके अंदर जो विचारधारा है भाजपा की वो दिखाई जाएगी। जी युवाओं पे काफी फोकस करती आ रही है बीजेपी अभी से ही शुरू से और ना सिर्फ युवा पे फोकस है तुषार उनका बल्कि महिलाओं पे भी खासा फोकस है, तो इस यात्रा के तहत बीजेपी क्या दिखाना चाहती है? यात्रा से साफ तौर पर ये दिखाया जाएगा कि भाजपा कितनी पावरफुल हो चुकी है, मतलब कहा जा सकता है कि संगठन तौर पर कितनी मजबूत है और उसके लिए युवाओं और महिलाओं को सबसे जो अत्यधिक जोड़ने की जरूरत है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अत्यधिक यहाँ पर महिलाएं रहती हैं और युवाओं का एक अलग ही जोश देखने को मिलता है और साथ साथ युवाओं की अत्यधिक जनसंख्या भी है। ऐसे में युवाओं और साथ साथ कहा जा सकता है कि महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और इसी के तहत जो युवा विशाल यात्रा निकाली जा रही है इसी का मकसद यही है कि भाजपा एक तो अपना संगठन दिखाए कि कितना मजबूत है और उसके लिए जो सैकड़ों की संख्या में आज युवा वहां पर पहुंचे भी हैं और साथ साथ जो युवा है उत्तराखंड के उनको किस तरह से भाजपा की विचारधारा से जोड़ा जा सके, जो केंद्र और राज्य की सरकार की जो विकास कार्य योजना चल रही है चाहे वो युवाओं के लिए हो महिलाओं के लिए हो उनसे उन्हें कैसे युवाओं तक पहुंचाया जाए और इसी के लिए विशाल यात्रा निकाली जा रही है। साथ साथ विपक्षी दलों को ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा संगठन लोकसभा चुनाव के लिए कितना तैयार है। काफी अहम हो जाता है ये लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीएम ने सचिवालय में की है समीक्षा बैठक, वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति और आय के संसाधनों की समीक्षा की है, उच्च अधिकारियों के साथ किया है मंथन, राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को फरवरी तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं, अवैध खनन पर एक्शन लेने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, निगमों की कार्य क्षमता का किया है आकलन और बिजली चोरी पर सतर्कता के साथ हो कार्रवाई सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है। तो वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति और आय के संसाधनों की समीक्षा किए गए हैं, अवैध खनन पर एक्शन लेने के निर्देश भी सीएम द्वारा दिया गया है और साथ में ये कह दिया गया है कि बिजली चोरी पर सतर्कता के साथ कार्रवाई हो। जुना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष पूरे होने पर स्वामी अवधे शानंद गिरी के हरिद्वार हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव की हुई है शुरुआत। महोत्सव के पहले दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद राजीव प्रताप रूडी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और कई अन्य संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। और देहरादून से महत्वपूर्ण जानकारी, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी हेराफेरी देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं ऐसे में कांग्रेस में बड़ी हेराफेरी देखने को मिल रही है, कई राज्यों में बदले गए हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। बता दें कुमारी शैलजा को मिली है नए प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी और पूर्व प्रभारी अब संभालेंगे पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी। नए प्रभारी से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दिखे हैं
संतुष्ट। तो कुमारी शैलजा को मिले हैं नए प्रदेश प्रभारी का कार्यभार। और देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जिसका नाम JN.1 है, कोविड वायरस है, जिसको लेकर दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने एडवाइजरी देते हुए कहा है कि लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी पड़ेगी, एक दूसरे से हाथ ज़्यादा नहीं मिलाने के साथ साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना होगा। यदि किसी को सांस व अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो उसे डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज करना चाहिए समय पर। एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है और उसके बाद हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश कुमार जी के द्वारा आई है कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ न मिलाना, एक दूसरे से थोड़ा भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना, इसका वो अनुपालन करें। और अगर उनको कोई अगर सांस की संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन न लें, जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और आगे ज़रूरत है फर्दर जाँचों की नहीं उसके बाद देखें। दूसरा ये है कि हाँ, जो रेगुलर जो वो है, हर एक अस्पताल के लिए एक एडवाइजरी डाउन हुई कि भाई किसी भी परिस्थिति को लेकर के हमें कुछ बेड सुरक्षित आरक्षित रखने हैं उनके लिए, आइसोलेशन बेड। और उसी क्रम में हमने अपने 9 ICU और 20 जो ऑक्सीजन वाले बेड है उनको इस तरह की इलनेसेस के लिए आरक्षित किया हुआ है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।